उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के अस्वस्थ होने की चर्चा भले ही मीडिया की सुर्खी बनती हो, लेकिन वो जब तब खुद को सक्रिय दिखाकर दुनिया को चौंकाते रहे हैं। ताजा मामले में किम जोंग उन उस कारखाने में पहुंचे जहां बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने वाले वाहनों के टायर बनते हैं। किम जोंग ने कारखाने के कर्मचारियों को लगन और मेहनत से काम करने के लिए बधाई दी। किम जोंग ने कहा, देश के इतने सक्षम होने में उनका भी बड़ा योगदान है। उसने कहा, 9 एक्सल वाले ट्रक के लिए बड़े आकार के टायर स्वदेशी तकनीक से बनाना कोई छोटी बात नहीं है। इससे रक्षा के क्षेत्र में देश की काबिलियत बढ़ी है और अर्थव्यवस्था विकसित होने की संभावना भी बढ़ी है। किम जोंग ने अमनोकगांग टायर फैक्ट्री को बड़े टायर बनाने की जिम्मेदारी सितंबर में सौंपी थी। फैक्ट्री ने ये जिम्मेदारी नवंबर में पूरी करके दिखा दी। बीते मंगलवार को उत्तर कोरिया ने वांग सोंग 15 मिसाइल का परीक्षण किया है, जो 13,000 किलोमीटर का सफर तय करके अमेरिकी शहरों तक पहुंच सकती है। इससे पहले शुक्रवार को वांग सोंग 15 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफल होने पर लोगों ने सार्वजनिक रूप से नाच गाकर और आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया था। इस मौके पर बड़ी जनसभा करके देश के नेता किम जोंग उन और वैज्ञानिकों का आभार जताया गया था। टीम इंडिलिंक्स।